नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो मैं आपका दोस्त विनय बाबा जी की रसोई से दोबारा आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में और लेके गजब सी लाजवाब सी डिश। आज हम लोग बनाएंगे चिकन मसाला और आप मेरे साथ अभी हम लोग सारी कटिंग वटिंग करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कैसे कैसे हम लोग क्या क्या तरीके से चिकन को बनाएंगे। ठीक है, तो आइए चल के आज बनाते हैं मिलके चिकन मसाला। अब हम लोग किचन के अंदर आ चुके हैं, गैस हमने ऑन कर दिया। अब इसके अंदर हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे एक कटोरी। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन, इसको फ्राई करेंगे। इसके अंदर हमने तेल के अंदर चिकन डाल के मिक्स कर लिया, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्राई करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने चिकन अब फ्राई कर लिया है, हम लोग चिकन को निकाल लेते हैं। सो गाइस, अभी हमने अदरक लहसुन को, जो साबुत अदरक लहसुन था, उसको हमने पेस्ट बना लिया है। और बिल्कुल एकदम देसी फ्लेवर देने के लिए हम लोगों ने क्या करा है, ये सिलवट है, इस पर आप देखते हैं इसकी चटनी बड़ी जबरदस्त होती है। इसके ऊपर हमने ये है धनिया पाउडर, ये तकरीबन 2 चम्मच, आधी चम्मच आपका हल्दी है, 1 चम्मच के आसपास लाल मिर्च है, जीरा है और काली मिर्च है। इसको हम लोग इसमें ऐसे ऐसे इसको पाउडर को इस पर क्रश करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या है बिल्कुल रॉ वाला फ्लेवर आएगा और इसका हम लोग पेस्ट टाइप का बना के फिर इसको चिकन के अंदर डालेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालते हैं। अब इसमें डालेंगे हम लोग 1/2 चम्मच के करीब जीरा, 2 से 3 बे लीफ तेज पत्ता, फिर हम लोग डालेंगे दालचीनी 3 से 4 स्टिक्स, 4 से 5 मीडियम साइज के प्याज हमने काट के रखे हैं, फाइन चॉप करें हमने। ठीक है ना, अभी इसको हम इसके अंदर मिला देते हैं ताकि प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हमने फाइन चॉप अनियन डाल दिए और हम लोग क्या कर रहे हैं प्याज को अच्छे से मिला रहे हैं, जब तक ये भून जाए, आधा मतलब हाफ डन हो जाए तब इस तरह से भून करेंगे। अब हमारा प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है अच्छे से एकदम। अब इसके अंदर हम लोग, जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया हमने। अब इसको हम लोग अच्छे से थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से भून जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी बहुत अच्छे से भून चुका है, प्याज भी बहुत अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे जो हमने सिलवट के ऊपर जो मसाले पीसे थे उसका पेस्ट। इसके अंदर हमने एक छोटा पैकेट मीट मसाले का भी ऐड करा है ताकि थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाए। और ये मसाले हमने अच्छे से पीस के, ये मसाले पीस के इसलिए डाले जा रहे हैं ताकि जो ग्रेवी के अंदर स्वाद है वो एकदम बिल्कुल अच्छे से आ जाए। जनरली क्या होता है कि जो मसाले होते हैं वो काली मिर्च होती है, लोग क्या करते हैं कि निकाल के फेंक देते हैं खाने से, जैसे वो दांतों के बीच में आती है लोगों को पसंद नहीं आता। तो ये सारी अगर मसाले अच्छे से पीस लो तो बढ़िया सा टेस्ट आता है, ब्लेंड अच्छे से। देखिए आप इसमें मसाले में से मसालों ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया रोगन, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे टमाटोस, टमाटर ये हमारे खुद के ही जो हमने छत के ऊपर उगा रखे हैं वही टमाटर हैं, फ्रेश टमाटोस। देखिए कितना बढ़िया मसाला बन चुका है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। तो मसाला नमक हमने जो मसाले पीसे थे उसमें भी थोड़ा सा डाल दिया, इसके अंदर हम लोग 1/2 चम्मच नमक और मिला देंगे। अब हम लोग जितना भी चिकन है हमारा जो हमने फ्राई करा था सारा चिकन हम उसमें डालते हैं।
अभी इसमें हमने चिकन अपने डाल लिया था फ्राई वाला, और इसको हम लोग अच्छे से मिला रहे हैं। ये देखिए हमने अच्छे से मिला लिया इसको। गैस की आंच हल्की रखना और आधा कप पानी हम इसमें मिला देंगे। ज़्यादा चलाना नहीं, बस एक ही बार चला के छोड़ देना। ज़्यादा चलाने से क्या होता है कि चिकन के पीसेस टूट जाते हैं। चलिए अब इसको हम लोग पकने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आप चाहें तो एक सीटी और दे सकते हैं। मैंने गैस को डिम में कर दिया एक सीटी और लगने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में फिर हमारा चिकन बन के हो जाएगा तैयार। फिर हम चक्के बताएंगे कैसा बना हमारा लजीज मसाला चिकन। सो गाइस, हमारा मसाला चिकन रेडी हो चुका है। आइए इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा बना हमारा मसाला चिकन। ग्रेवी तो वाकई एकदम लजीज कसम ग्रेवी बनी है। इसको हम लोग बॉइल्ड राइस जो होता है उसके साथ खा रहे हैं। टेस्ट करते हैं बॉइल्ड राइस के साथ। वाकई एकदम लाजवाब टेस्ट है। टमाटर अपना खट्टापन इसके अंदर छोड़ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी अच्छी अच्छी डिशेज आपके लिए और बनाते रहें। फिर मिलते हैं बाबा जी की रसोई में।